सपने कई तरह के होते हैं, एक जो हम नींद में देखते हैं, एक खुली आंखों से, एक जिसके लिए हम सब कुछ कर देना चाहते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही इंसान से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने 5वीं कक्षा में एक सपने को चुना था और बाद में उसे पूरा भी किया। हम बात कर रहे हैं मशहूर डॉक्टर CS यादव जी के बारे में, जिनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। उन्होंने समाज सेवा के तौर पर केवल लेह सिटी में ही अब तक 275 जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज की हैं और 2015 में उन्हें डॉक्टर BC रॉय नेशनल अवार्ड, यश भारती अवार्ड, यहां तक कि ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने 2016 में डॉक्टर यादव की सर्जिकल टीम को काफी सराहा। डॉक्टर CS यादव जी 5वीं कक्षा में थे, उनकी माँ को गठिया था और इसी से परेशान होकर उनकी माँ ने उन्हें एक बार कह दिया कि तुम बड़े होकर डॉक्टर बनना और मेरे घुटने का इलाज करना। इस बात ने उनके जीवन में गहरा असर छोड़ा और इसी को उन्होंने अपना सपना बना लिया। इस घटना ने उनके जीवन को एक अलग ही दिशा देने का काम किया। डॉक्टर जिंदा दिली की मिसाल हैं और उनका मानना है कि अगर उनकी एक सांस भी बाकी है तो वो बाजी पलटने की ताकत रखते हैं। तो सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आगरा शहर का रहने वाला हूँ। आगरा शहर मतलब एक स्लम, छोटी छोटी गलियाँ, वहाँ सब गरीब लोग रहते थे। हमारे एनिमल्स, गाय भैंस भी वहीं रहते थे, हम लोग भी वहीं रहते थे। यहाँ कई बार स्ट्रीट लाइट जलती रहती थी और कई बार सब लोगों को सोना है और मुझे पढ़ना है, यहाँ बैठ के यहाँ पढ़ लिया करते थे रात में। यहाँ छत भी हमारी बड़ी मेमोरेबल है, यहाँ से ताजमहल दिखता है। आप तो खुद ही हजारों लाखों लोगों के लिए प्रेरणा हैं, पर आप किसको देखकर मोटिवेट या इंस्पायर होते हैं? माँ तो मेरी बहुत ही इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट थी और बहुत ही बोल्ड थी। वो बोल्ड और डिटरमाइंड लेडी जो होती हैं, वो ही मेरे में आया। मेरे अंदर वो डिटरमिनेशन और नेवर से डाई स्पिरिट, अगर मैं अक्सर बोलता हूँ एक भी सांस बजेगी तो बाजी पलट दूंगा, मैं अक्सर, मेरा पैट टर्म होता है। कई बार वाइफ बोर हो जाती है सुन के जो है तो वो प्रोबेबली मदर से आया है। वो मैं पढ़ने में अच्छा था, मेरी माँ को पता था कि अच्छा है पढ़ने में, कुछ करेगा, तो मेरे को बहुत प्रमोट करती थी, एनकरेज करती थी। उनको बहुत रूमेटॉइड गठिया की बीमारी थी जिसमें हाथ पैर टेढ़े पड़ जाते हैं, पूरे जॉइंट खराब हो जाते हैं। तो उन्होंने, उनके दिमाग में था तू डॉक्टर बनना और मेरी गठिया की बीमारी को ठीक करना। तो ये बात उन्होंने, जब मैं बच्चा था तब उन्होंने मेरे को बोल ली थी, 4th-5th क्लास में। उनकी इस बात मेरे दिमाग में हमेशा के लिए इम्प्रिंट कर गई कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। फादर बहुत ऑनेस्ट थे तो उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ भी नहीं। अगर उनसे कोई 1 लीटर घी मांग रहा है तो वो 1 लीटर की जगह 1 लीटर 50 ग्राम दे देंगे, 100 ग्राम कम नहीं देंगे। तो वो हर बिजनेस में घाटा होता रहा और बिजनेस चेंज करते रहे तो फिर घर में बैठ गए। तो ये इस ऐसे रहते रहते काफ़ी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो गई थी, तो बाहर जाके पढ़ नहीं सकता था, हॉस्टल का खर्चा ये वो एक्स्ट्रा होते। तो मेरे को चॉइस मेरी SN मेडिकल कॉलेज आगरा थी, मैं पैदल चल के अपना घर मेडिकल कॉलेज चला जाता था और वापस आ जाता था घर। पहली बार जब आपने वाइट एप्रन पहना तब आपको कैसा महसूस हुआ? मतलब जो सपना माँ ने दिखाया था, जो मैंने देखा था, वो अचीव हो गया। वाइट कोट एप्रन पहन के हम लोग SN मेडिकल कॉलेज के प्रेमिसेस में गए, है ना, फर्स्ट ईयर फर्स्ट डे, है ना, मेडिकल चेक। इट वॉज रियली, मतलब मैं उस अपनी खुशी को शब्दों में बयान नहीं कर सकता, जस्ट फील ही कर सकता हूँ क्या था वो दिन। उस दिन मुझे लगा कि अब बहुत अच्छा होगा, घर में घर की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी और घर में ज़्यादातर लोग अच्छे और खुशहाल हो जाएंगे। सर, आज तो खैर आपने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन उस समय आपके भविष्य को लेकर क्या प्लान्स थे? तो मैंने ये सोचा था मेडिसिन, MD मेडिसिन करके मैं अब अपने शहर में ही क्लिनिक खोल लूँगा, उससे जल्दी से मैं अर्न कर सकता हूँ, जल्दी से अर्न करके अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता हूँ। दैट वाज द प्लान। तो इंटर्नशिप में आने के बाद मुझे लगा मैं तो फिजिशियन बनने के लिए नहीं, मुझे ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना चाहिए। मैं सफदरजंग में रहा मैं 3 साल। मुझे लगा ये वहाँ थोड़ा सा कल्चर डिफरेंट है और मुझे तो बस सामने वाली बिल्डिंग में जाना है। तो एम्स ज्वाइन करना वन ऑफ द बहुत ज़्यादा खुशी का दिन था वो।
फिर ऑर्थोपेडिक्स में एमएस करते करते सुपर स्पेशलाइजेशन होने लगा, जैसे एक फील्ड स्पाइन सर्जन अलग होने लगे ऑर्थोपेडिक्स में से ही, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन अलग होने लगे, ट्यूमर सर्जन अलग होने लगे। तो मुझे लगा इन सबको देखने के बाद कि जो मेरी पर्सनैलिटी को सूट करता है, मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन बनूंगा। मैं इसलिए बना जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन क्योंकि इसमें आप पेशेंट को बिल्कुल कह सकते हो जब ओपीडी में आता है कि आप अच्छे हो जाओगे, दूसरे दिन से चलने लगोगे। नी एंड हिप रिप्लेसमेंट फील्ड में आपका बहुत महत्वपूर्ण और अहम योगदान रहा है, लेकिन इसके अलावा भी आपने बहुत बहुत सी गलत प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट सवाल भी उठाए हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। नी एंड हिप सर्जरी को लेके मेरा पैशन बहुत ज़बरदस्त है, तो जब इस सब्जेक्ट में मैं इंडिपेंडेंट सर्जरी करने लगा तो मैंने सोचा कुछ चीज़ें देश में गड़बड़ हो रही हैं, उनसे मैं लड़ूंगा, उनको एक्सपोज करूंगा, और कुछ चीज़ों को एडॉप्ट करूंगा, कुछ को मैं रिजेक्ट करूंगा। तो जैसे कि एक मैं एग्जांपल दूं, 2006 के आसपास, वह 6-7 के आसपास मैं इंडिपेंडेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट करने लगा था। उससे पहले मेरे बॉस लोग थे साथ में, उनके साथ करता था, डिसीजन उन्हीं के होते थे। मैं डिसीजन 6 के आसपास इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने लगा। तो मैंने एक जॉइंट होता था, उसके बहुत बड़े बड़े क्लेम होते थे कि बहुत अच्छा जॉइंट है, बहुत लंबा चलेगा और ये 50 साल चलेगा। मुझे ठीक नहीं लगता था वो कि ये बात सच है। तो मैंने उस जॉइंट के ख़िलाफ़ पूरे, जब मैं बहुत शुरुआत थी मेरे करियर की जॉइंट रिप्लेसमेंट फील्ड की, मैंने लेक्चर देने शुरू किए। तो मेरे को लोगों ने कहा भी तुम बहुत अभिमन्यु हो, छोटी शुरुआत है, इसको बड़े बड़े दिग्गज लोग यूज़ करते हैं और इसके फेवर में बोलते हैं, तुम इसके अगेंस्ट मत बोलो, बड़ा आपका एकेडमिक करियर ब्लॉक हो जाता है ये, और सारे लोग आपके फिर बुलाएंगे नहीं किसी सब्जेक्ट में आपको लेक्चर देने के लिए। आई टुक इट एज ए चैलेंज, गलत बात के खिलाफ बोलना ही है। उस जॉइंट के खिलाफ मैंने देश में बोलना शुरू किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके फिर नेशनल लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल से। आज की डेट में वो जॉइंट दिखता ही नहीं, या तो बैन हो गया या विड्रॉ हो गया। उन लोगों ने भी बंद कर दिया जो कहते थे ये 50 साल चलेगा। कुछ ऐसी दवाइयां थी, जैसे एक जो रूटीन यूज़ कर रहे थे हमारे सीनियर लोग, और देश में और भी जगह प्रीवलेंट थी, हिपेरिन, जिसको मैं एग्जाम्पल दे दूँगा आपको। तो हिपेरिन के मैं साइड इफ़ेक्ट देख रहा था, पेशेंट्स का काफ़ी नुकसान हो रहा था उसको रूटीन यूज़ करने से। तो उस हिपेरिन के यूज़ के खिलाफ भी मैंने देश में नेशनली इंटरनेशनली बोलना शुरू किया, और भी लोग बोल रहे थे, लेकिन मार्केट फोर्सेस की वजह से जो बोल रहे थे उनकी आवाज़ दबी हुई थी, कम लोग थे, लोग डरते थे। तो कम से कम हिंदुस्तान में मैंने उसके खिलाफ बहुत बोला, लोग फिर और भी बोलने लगे और उसका रूटीन यूज़ छोड़ने लगे। इस देश के हम फर्स्ट लोग हैं जिन्होंने इन इश्यूज़ को हाईलाइट किया, जो जनता के फेवर में थी और मार्केट फोर्सेस और करप्ट प्रैक्टिशनर के अगेंस्ट थी। खूब बोले, और वी आर नोन फॉर द, कि कोई अगर कोई सच बात पूछनी है इस इशू पर, डॉक्टर सी एस यादव से पूछ लो, जो बोलेगा सच बोलेगा, ही इज़ नॉट मैन ऑफ मार्केट फोर्सेस। वैसे तो आप बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करते हैं, पर फिर भी कभी ना कभी तो आपको लो फील होता ही होगा, आपका लो पॉइंट क्या है? सोसाइटी में लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसको देखे कभी कभी जरूर लो लगता है, यार क्या देश है, इसमें कितनी मुश्किलें, अभी तक ठीक नहीं हुई, आज़ादी के इतने साल हो गए, गरीब अमीर का भेद बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा अपने आप को कोई नहीं लेके कुछ नहीं, मैं आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी मैन। पेशेंट्स तो आपकी इम्पोर्टेंस समझते हैं, एक मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ में आप कैसे वैल्यू ऐड करते हैं? एक बात मैंने अपनी ज़िंदगी में रियलाइज़ की थी कि हमारे यहाँ जो सर्जन होते हैं वो पुअर टीचर होते हैं, वो अपने जूनियर से हमेशा डरे हुए रहते हैं। तो ये बात भी मेरे दिल में रहती थी कि मैं ऐसा नहीं बनूँगा। तो इसलिए हमने देश में फर्स्ट कैडेवर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया, 2008-09 में देश में इंट्रोड्यूस किया। दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ ट्रेनिंग। आपने सब कुछ करने के बाद अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को ये आपने नी जॉइंट दे दिया डेड बॉडी का, कहा आप ऑपरेट करो, नी रिप्लेस करो, और एक सिखाने वाला सीनियर आदमी हर टेबल पे, 5-6 लोग होते थे, तो भी इंट्रोड्यूस दैट। उसके बाद लगातार इस काम को हम देश में करते रहे। इसी तरीके से हमने कोविड आ गया, तो कोविड में फिर कैसे करें प्रोग्राम, फिजिकल हो नहीं सकता,
तो नॉट ओनली ऑफ द कंट्री, दुनिया की फर्स्ट कैडेवरिक वेबिनार हमने की और उसको जो है पूरे दुनिया के 32 देशों के 903 लोगों ने देखा। एज अ डॉक्टर ना सिर्फ आप अपने हॉस्पिटल आर्स बल्कि उसके अलावा भी रूरल एरिया में जाकर आपने जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज की हैं, उन एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। कारगिल में भी हम लोग वहाँ जाके ऑपरेट करके आ चुके हैं, वहाँ भी हमने 46 जॉइंट रिप्लेसमेंट किए हैं, हिप एंड नी जॉइंट रिप्लेसमेंट। कारगिल, लद्दाख, दसमल गांव, हिमाचल में भी एक गांव में, दसमल गांव में, जैसे कि मैं एम्स में था, आप एम्स का रिकॉर्ड निकाल के देख लो, मैंने कोई समर वैकेशन नहीं की आज तक की हिस्ट्री में, बहुत रेयर कोई मिलेगा ही नहीं जिसने 22 साल नौकरी की, शुरू के एक दो साल को छोड़ के कभी समर वैकेशन नहीं ली मैंने। वेटिंग लिस्ट आपको पता है एम्स में बहुत होती है, समर वैकेशंस में मेरे नंबर ऑफ जॉइंट रिप्लेसमेंट डबल हो जाया करते थे, हम डबल सर्जरी, क्योंकि दो टेबल मिल जाती थी, क्योंकि और लोग छुट्टी पे चले जाते थे और प्रोफेसर लोग, उस समय दो टेबल मिलती थी तैयार, तो मेरे नंबर ऑफ ऑपरेशंस ज़्यादा हो जाया करते थे। सर आपको आज बहुत लोग जानते हैं और आपको इंस्पिरेशन मानकर फॉलो भी करते हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? डॉक्टरों को मेरा ये सलाह है, मैं तो इतने पुअर बैकग्राउंड से आया, फाइनेंशियली पुअर बैकग्राउंड, आज की डेट में मेरे पास कोई कमी नहीं है, तो होता क्या है जो ग्रीड होती है ना, मैं और जोड़ लूँ और जोड़ लूँ और जोड़ लूँ, उस वजह से लोग माल प्रैक्टिस करते हैं, और अगर आप ईमानदारी से प्रैक्टिस करो तो लॉन्ग टर्म में आप ही रिच बनते हो, क्योंकि आपकी एक लंबी फॉलोइंग हो जाती है और आपकी एक इमेज ऐसी चली जाती है, फिर आपके पीछे लोग भागते हैं, फिर आपसे काम संभलता नहीं है, ईमानदारी वाला काम नहीं संभलता, और ईमानदारी वाला काम ही इतना है, इतनी बड़ी आबादी है, उसी से इतना आपका फाइनेंशियली आप अच्छे हो जाते हो, कुछ बेईमानी करने की ज़रूरत ही नहीं है। और इन डॉक्टरों को भी देश के लोगों ने ही पढ़ाया है, देश के पैसे नहीं पढ़ाया है, तो उनको सोचना चाहिए हम देश के लोगों के साथ क्यों चीटिंग करें। पेशेंट के लिए सलाह है, कम से कम दिल्ली में सिंपल तरीका है, आपको प्राइवेट प्रैक्टिशनर ने क्या बोला, ठीक है, दो आपने प्राइवेट प्रैक्टिशनर से पूछ लिया, तो उससे काफ़ी कंफ्यूजन आपका दूर हो जाता है कि क्या करना चाहिए, और उसके बाद एक आप सरकारी डॉक्टर के पास चले जाओ, सरकारी डॉक्टर, स्पेशली एम्स दिल्ली जैसा मंदिर इस दुनिया में कहीं नहीं है, वहाँ जो सलाह मिलती है आज की डेट में भी बिल्कुल न्यूट्रल होगी, ऑनेस्ट होगी। आप अपनी लाइफ में काफ़ी बिजी रहते होंगे, आपका डेली रूटीन क्या रहता है सर? मैं 8 बजे के आसपास निकल जाता हूँ घर से, करीब 7-8 बजे तक वापस आता हूँ, मॉर्निंग के सारे 2-3 बजे तक मैं ऑपरेट करता हूँ, 8-10 जॉइंट डेली सुबह हम लोग 8-10 सर्जरी करते हैं, फिर OPD में 30-40 पेशेंट देखते हैं, फिर इवनिंग में राउंड लेता हूँ, मैं राउंड लेके घर आ जाता हूँ, घर आके अपना थोड़ा चेंज वेंज करके मैं अपना जिम जॉगिंग के लिए निकल जाता हूँ, जॉगिंग एक्सरसाइज के लिए, फिर अपना कुछ पढ़ा कुछ देखा लेट इवनिंग और नाइट में, फिर अपना खाना खाया, दूध पिया, सो गए, फिर सुबह फिर चल दिए। माँ के बाद दूसरा वो कौन इंसान रहा जिसने आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस किया हो? मेरी वाइफ, शी इज़ ग्रेट लेडी, उसने जो भी मेरी जर्नी रही है मेरी माँ के बाद, जिंदगी में कैसे चलना है, हम तो रॉ बिल्कुल रफ टफ लोग थे, उसने जो है शादी के बाद उसने जो मेरे को धीमे धीमे करके जो मेरी मेरे को जो ढालते हैं ना ढाला है, तो वो सब क्रेडिट उसको जाता है। मैं आज जो पहुंचा हूं दिल्ली में आने के बाद, अगर वो मेरे को गाइड नहीं करती और कुछ चीज़ों को मेरी को टेम नहीं करती, तो शायद यहां तक नहीं पहुंच पाता। यूथ आपकी जर्नी को देखकर बहुत इंस्पायर होता है, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ के लिए सलाह ये है कि डिटर्मिनेशन चाहिए बिल्कुल, मुझे इससे कम पे कंप्रोमाइज़ ही नहीं करना है, फिर आप अपने रास्ते भी ढूंढने मिल जाते हैं आपको, इवन आपको फाइनेंशियली हेल्प करने जब देखता है कोई अड़ोसी पड़ोसी या रिश्तेदार के, या तो बहुत अच्छा बच्चा है, तो 50 आपके लोग हैं उसमें 2-3 तो आपको मिल ही जाएंगे आपको सपोर्ट करने वाले। एस्पायरिंग मेडिकल स्टूडेंट्स को आपकी क्या एडवाइस है सर? पैशन होना चाहिए, अगर आप ईमानदारी से ज़िंदगी चलोगे तो, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, पैसा आ जाता है, ये सब्जेक्ट ऐसा है समाज आपको पैसा दे देता है,
और ये बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, इसमें आप सोसाइटी को डिलीवर करते हो और थ्रू आउट जब तक आप में जितनी जान बची, आप 70 साल के हो, 75 साल के हो, 80 साल के हो, अगर आप ठीक ठाक हो तो लास्ट तक आप सोसाइटी को डिलीवर कर सकते हो। मैं अक्सर बोला करता हूँ, अगर मेरी एक भी सांस बची तो मैं बाजी पलट दूंगा, और आई मीन इट। तो ये हैं लोगों के लिए समर्पित और उनके चहेते डॉक्टर सीएस यादव जी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी हमेशा पूरी जिंदा दिली से जी है। उनके कंट्रीब्यूशन की अनसंग स्टोरी को हमने आपके सामने रखा। भरोसा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई है तो इस अनसंग स्टोरी को शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, और ऐसी ही अनसंग स्टोरीज़ को विटनेस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून्ड।